देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग लग्न वालों के ऊपर बृहस्पति कैसा प्रभाव डालते हैं या बृहस्पति उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन लग्न के लोगों पर बृहस्पति का कैसा प्रभाव पड़ता है। अगर मेष लग्न की बात करें तो बृहस्पति इनके भाग्य का स्वामी है और इनको जीवन में वैभव, आराम और कंफर्ट देता है, इनके जीवन में हैप्पीनेस लाता है। बृहस्पति से ही इनको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, यानी मेष लग्न वालों के लिए बृहस्पति इनका भाग्य और ईश्वर की कृपा का पक्ष दोनों संभाल लेता है। वृषभ लग्न की बात करें, वृषभ लग्न वालों के लिए बृहस्पति इनके आयु का स्वामी है। हालांकि वृषभ लग्न वालों के लिए बृहस्पति फेवरेबल नहीं होता, लेकिन इनके आयु का स्वामी है और बृहस्पति से ही इनको अच्छी और लंबी आयु मिल जाती है। कुछ हद तक, ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक बृहस्पति इनकी सोच को भी प्रभावित करता है। बृहस्पति अच्छे परिणाम देगा तो उम्र लंबी होगी, लेकिन ज्यादातर वृषभ लग्न वालों के लिए बृहस्पति के जो फल हैं, जो फायदे हैं, वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। मिथुन लग्न, बृहस्पति इनके विवाह और इनके वैवाहिक जीवन का स्वामी है, साथ ही साथ इनके पद और इनके प्रतिष्ठा का भी स्वामी है। यानी इनका विवाह कब कैसा पद मिलेगा, इसके लिए भी बृहस्पति जिम्मेदार होता है और बृहस्पति ही इनके करियर को निर्धारित करता है। यानी बृहस्पति यहां महत्वपूर्ण है। हालांकि मिथुन लग्न के लिए बृहस्पति नुकसान भी बहुत पहुंचाता है, लेकिन आपका विवाह और जीवन में पद प्रतिष्ठा की पोजीशन, ये आपको बृहस्पति की वजह से जीवन में प्राप्त होती है। अब आपको बताते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या लग्न वालों के लिए बृहस्पति कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर कर्क लग्न की बात करें तो बृहस्पति इनकी नौकरी, इनके कर्ज और इनके शत्रु को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ इनको भाग्यवान भी बनाता है। यहां बृहस्पति अगर मजबूत हो जाए तो व्यक्ति प्रसिद्ध भी होता है, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि कर्क लग्न वालों को लंबी चलने वाली बीमारियां, कैंसरस प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम अक्सर बृहस्पति की वजह से पैदा होती है। लेकिन बृहस्पति इनको आध्यात्मिक भी बनाता है, प्रसिद्धि भी देता है और जीवन में ऊंचाइयों तक भी पहुंचा देता है। सिंह लग्न, बृहस्पति इनके स्वास्थ्य का स्वामी है, इनके स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ इनको संतान और बुद्धि प्रदान करता है। इनका स्वास्थ्य कैसा होगा वो बृहस्पति डिसाइड करेगा और इनको संतान और बुद्धि दोनों प्रदान करता है। सिंह लग्न में बृहस्पति पंचम और अष्टम का मालिक है, इसीलिए कभी कभी सिंह लग्न वालों को मोटापा भी देता है और डाइजेशन की प्रॉब्लम भी बृहस्पति प्रदान कर देता है। हालांकि बृहस्पति ज्यादातर मामलों में सिंह लग्न वालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कन्या लग्न, बृहस्पति इनके स्टेबिलिटी का, इनके स्थायित्व का स्वामी है और इनके विवाह
और इनके वैवाहिक जीवन को नियंत्रित करता है। बृहस्पति यहां पर गर्भ धारण करने के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में भी बताता है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि कन्या लग्न वालों को बृहस्पति नुकसान भी पहुंचाता है। जरा भी निगेटिव सेंस में हुआ बृहस्पति तो विवाह बहुत विलंब से होता है, और अगर बृहस्पति निगेटिव सेंस में हुआ तो एक और दिक्कत आती है कि जीवन में लंबे समय तक मेहनत करने के बावजूद जीवन स्टेबल नहीं होता, जीवन में स्थिरता नहीं आती। तुला लग्न पर गुरु का यानी बृहस्पति का कैसा प्रभाव होता है? तुला लग्न वालों के लिए बृहस्पति इनकी रुचियों को बताता है, इनका इंटरेस्ट कैसा है, इनके अंदर स्किल कैसी है, क्या कला है, क्या गुण है, क्या इंटरेस्ट है, वो बृहस्पति बताता है। साथ ही साथ इनके नौकरी और इनके दायित्व का स्वामी भी है। अक्सर तुला वालों को जो बीमारियां होती हैं, ज्यादातर बीमारियों से जो जूझते हैं, उसका कारण होता है बृहस्पति। लेकिन तुला लग्न में बृहस्पति एक काम और करता है, वो ये करता है कि आपको बहुत अच्छा पढ़ने लिखने वाला, बहुत अच्छा बोलने वाला या बहुत अच्छा प्रेजेंटेटर बना देता है। हालांकि तुला लग्न वालों को बृहस्पति बीमारियां भी बहुत देता है, खासतौर से डायबिटीज की समस्या, डाइजेशन की समस्या अक्सर तुला लग्न वालों को बृहस्पति की वजह से हो जाती है। वृश्चिक लग्न, इनकी जो पैतृक धन संपत्ति है, जो इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी है, पारिवारिक संपत्ति है, उसका स्वामी बृहस्पति है। साथ ही साथ धन के योग भी बृहस्पति इनको देता है, धन प्रदान करता है। इनकी संतान, बुद्धि और विद्या बृहस्पति से नियंत्रित होती है। संतान पक्ष, बुद्धि और विद्या का पक्ष इनका बृहस्पति से नियंत्रित होता है। लेकिन कभी कभी वृश्चिक लग्न वालों को बृहस्पति अहंकारी बना देता है, और कभी कभी अपनी योग्यता और गुण को लेकर के ये लोग अहंकारी हो जाते हैं। धनु लग्न की बात करें तो धनु लग्न का स्वामी तो स्वयं बृहस्पति है, इसीलिए इनका पूरा व्यक्तित्व, इनकी पूरी पर्सनैलिटी बृहस्पति के पास है। इनको करियर में स्थिरता बृहस्पति से मिलती है, इनका व्यक्तित्व बृहस्पति से बेहतर होता है, और इनको जीवन में ज्यादातर सफलताएं, ज्यादातर नाम और यश बृहस्पति से प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर बृहस्पति थोड़ा फायरी होता है, इसीलिए धनु लग्न वाले थोड़े एग्रेसिव भी होते हैं, और अगर बृहस्पति लीड कर गया, मजबूत हो गया बहुत, तो अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को लेकर के इनको अहंकार भी बहुत होता है। अगर मकर लग्न की बात करें तो बृहस्पति बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है मकर में, क्योंकि यहां पर ये डेबिलिटेटेड हो जाता है, नीच राशि में चला जाता है। फिर भी मकर राशि वालों का जो इंटरेस्ट है, जो इंक्लिनेशन है, ये बृहस्पति से देखा जाता है। साथ ही साथ इनके खर्चे कितने होंगे, कितना पैसा कमाएंगे, कितना बचाएंगे, कितना उड़ाएंगे, ये बृहस्पति से निर्धारित होता है। यानी मकर लग्न वालों के लिए वैसे बृहस्पति बहुत फेवरेबल नहीं होता, लेकिन जो इनके अंदर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है या जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, जो कला का, लिखने का, बोलने का, संगीत का गुण है, वो आपको प्राप्त होता है बृहस्पति की वजह से। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न वालों का सारा पैसा, चाहे मेहनत से कमाया पैसा हो, चाहे गुडविल से कमाया पैसा हो,
चाहे किसी भी तरीके से आप पैसा कमाएं, इनके धन का सारा दारोमदार बृहस्पति पर होता है, यानी बृहस्पति से संबंधित ही धन इनको जीवन में मिल पाता है। साथ ही साथ बृहस्पति इनको अच्छी वाणी भी देता है। अगर इनका बृहस्पति अच्छा हो गया तो धनवान तो होंगे ही, अच्छा और प्रभावशाली बोलेंगे भी और उसका फायदा जीवन में प्राप्त भी होगा। कुंभ लग्न वालों के जीवन में जो भी उनके गुण हैं वो ज्यादातर धन के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई देते हैं और उसकी जिम्मेदारी होती है बृहस्पति की। इसीलिए कुंभ लग्न के लोग जीवन के अंत तक काम करते हैं कि जितना पैसा बटोर सकें उतना पैसा बटोरते जाएं। मीन लग्न, मीन लग्न का स्वामी भी बृहस्पति स्वयं है। इनका सारा व्यक्तित्व, कैसा बोलना, कैसा चलना, कैसा पहनना, कैसा खाना, इनका सारा व्यक्तित्व बृहस्पति पर निर्भर करता है और इनकी पद प्रतिष्ठा भी बृहस्पति से आती है। यानी जुपिटर इनका जितना अच्छा होगा जीवन में सफलता की संभावनाएं उतनी ही अच्छी होंगी। लेकिन ये भी जान लीजिए कि बृहस्पति मीन लग्न वालों को शत प्रतिशत मोटापा देता है और अगर ये एक्टिव नहीं होते हैं तो ये मोटापा जीवन भर इनके साथ बना रहता है। अब बृहस्पति आपके लग्न के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण नहीं है ये बात तो आपने जान ली। अब अगर आप बृहस्पति से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको बृहस्पति से गेन हो, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम थोड़ा समय पूजा उपासना में दें, कम से कम थोड़ा मंत्र पढ़ें, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ी प्रार्थना करें। ऐसा सुबह शाम दोनों समय करिए। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद से बृहस्पति बेहतर होगा। फल वाले वृक्ष जरूर लगाइए। फलदार वृक्ष आम है, अमरूद है, केला है, इसके वृक्ष लगवाइए, इससे भी आपको लाभ होगा। और ऐसा देखा गया है कि बृहस्पति अगर लाभ देना चाहे और आप लाभ लेना चाहें तो आपको सात्विक होना पड़ेगा और कोई एक स्तुति आपको रेगुलर करनी होगी। आप शिव जी की स्तुति करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या तो भगवान शिव की जितना संभव हो स्तुति करिए, या अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो वो भी आपके लिए बेहतर होगा। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में बृहस्पति वार को धारण करने से भी आपको लाभ होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।